मध्य प्रदेश के छतरपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक मासूम सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भीषण सड़क हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं सभी घायलों को जिला अस्पताल में भिजवाया है, जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। छतरपुर से मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। अभी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें हमारे पास 8 पेशेंट आए थे। 8 में से 3 पेशेंट हमारे पास मृत आए। हमने उनका ईसीजी किया और देखा तो डेड थे। 3 पेशेंट थे, 3 पेशेंट स्टेबल हैं, उनको भर्ती कर दिया गया है। 2 बच्चे हैं, इसमें से एक बच्चे को सिर में बहुत गंभीर चोट है, अभी उसको प्राथमिक उपचार ओटी में कर रहे हैं। एक बच्चा है, उसको फीमर हड्डी टूटी हुई है, पर वो ठीक है, स्टेबल बच्चा। नरेंद्र यादव, कहाँ के आ रहे हैं? कहाँ से कहाँ जा रहे थे तुम? खड़े यहाँ थे। कहाँ पे खड़े थे? बेतकादारी चौकी के आगे। काहे से खड़े थे? काले थे तुम्हारे? पसीलू ट्रैक्टर से खड़े थे। फिर कैसे एक्सीडेंट हुआ? जो उन्हें पीछे वाले पीछे से मार दे प्लेयर हुआ। फिर अस्पताल कैसे आए तुम्हारे? एम्बुलेंस से। तुम्हारे कितने जने बैठे थे ट्राली नीचे? 6 जने। का नाम है इनकी बताओ? राहुल, बलदाव, नरेंद्र, सोनी राजा, छोटे राजा, एक जन उनके लड़का है। 6 जने ट्राली के नीचे बैठे थे। हाँ। पानी से बच गए था। हाँ।